इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में पढ़ाया समझाया। अरब में पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो इस्लाम को प्रचार किया है, जो समझाया है, उसके बारे में, पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। कुरान का इस्लाम में क्या महत्व है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पैगंबर मोहम्मद की मक्का से मदीना तक की यात्रा को इस्लाम के इतिहास में हिजरा कहा जाता है। मदीना वासियों द्वारा पैगंबर मोहम्मद का खूब स्वागत किया गया। मोहम्मद साहब के साथ मक्का से मदीना पहुंचने वाले उनके अनुयायियों को महाजिरून प्रवासी के नाम से पुकारा गया, जबकि मदीना में रहने वाले उनके समर्थक अनुयायियों को अंसार के नाम से पुकारा गया। पैगंबर मोहम्मद का जिस वर्ष 622 ईस्वी में मदीना में आगमन हुआ, उसी वर्ष से इस्लामिक कैलेंडर अर्थात हिजारी सन की शुरुआत मानी गई। पैगंबर मोहम्मद का मदीना में आगमन एक महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई। यहीं से पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों अर्थात इस्लाम का तीव्रता से प्रचार प्रसार शुरू हुआ। उनके अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अनुयायियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अनुयायियों के समुदाय को संगठित करना आवश्यक हो गया। किसी भी धर्म का अस्तित्व उसके अनुयायियों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। अनुयायियों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों से सुरक्षित रखना जरूरी होता है। सुदृढ़ीकरण एवं सुरक्षा के लिए राज और सरकारें जैसी राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। ये संस्थाएं विरासत से या बाहर से प्राप्त की जाती हैं। अथवा इनका निर्माण नए सिरे से करना पड़ता है। इन स्थितियों ने मोहम्मद साहब को पैगंबर के साथ साथ शासक और राजनीतिक भी बना दिया। पैगंबर मोहम्मद ने इन तीनों तरीकों से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। इससे इस्लाम के जो अनुयायियों को सुरक्षा प्राप्त हुई, इसके साथ साथ शहर में व्याप्त कलह भी समाप्त हुई। पैगंबर मोहम्मद केवल धर्म प्रचारक ही नहीं रहे, वह मदीना के शासक भी बन गए। उन्होंने उम्मा अस्तिकों का एक ऐसा समाज जो समान धार्मिक विश्वासों के जरिए एक दूसरे से आपस में जुड़ा हो, को एक विशाल समुदाय के रूप में बदल दिया, ताकि मदीना के बहुदेववादी और यहूदी उनके राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत आ सके। पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह की इबादत के लिए मदीना में एक मस्जिद का निर्माण कराया। मदीना के लोगों के लिए उन्होंने प्रशासन और समाज संबंधी अनेक नियम बनाए। उन्होंने मदीना के आसपास के इलाकों में भी इस्लाम का प्रचार किया। बहुत से कबीलों और शहरों ने उनके धर्म अर्थात इस्लाम को स्वीकार कर लिया। पैगंबर मोहम्मद की बढ़ती हुई लोकप्रियता कुरैश लोगों के लिए असहनीय थी। इस स्थिति परिणाम स्वरूप पैगंबर मोहम्मद कुरैश कबीलों के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों पक्ष
623 ईस्वी में बद्र में एक भयंकर युद्ध हुआ। इस संघर्ष में पैगंबर मोहम्मद ने कुरैशों की साल सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। बद्र का यह युद्ध इस्लाम के लिए लड़ा गया एक निर्णायक संघर्ष था, जिसमें मोहम्मद साहब ने पहली बार तलवार को उठाया। पैगंबरवाद और इस्लाम के लिए पहली निर्णायक विजय थी। इस विजय ने मुसलमानों में नई ऊर्जा और आशा का संचार कर दिया। इसके उपरांत मुसलमानों ने यहूदियों और ईसाइयों पर भी आक्रमण किए और उन्हें मुसलमान बनाया। कुरैश समुदाय के लोग पैगंबर मोहम्मद की बढ़ती हुई लोकप्रियता को अपने लिए खतरा मानते थे। वह बद्र की लड़ाई में हुई अपनी पराजय का बदला लेने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। उन्होंने यहूदियों तथा बद्रुओं के सहयोग से 627 ईस्वी में मदीना पर एक विशाल सेना के साथ पुनः आक्रमण किया। पैगंबर मोहम्मद ने मदीना नगर की सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर खाइयां खुदवा दी। इस वजह से कुरैश सेना के अश्वारोही सैनिक मदीना शहर में घुसने में असफल रहे और उनकी सेना में भगदड़ मच गई। मक्का वासियों को भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई को इतिहास में खंदक की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस विजय के परिणाम स्वरूप इस्लाम के प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस सफलता के उपरांत पैगंबर मोहम्मद ने मक्का पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 628 ईस्वी में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मक्का की ओर प्रस्थान किया। मक्का वासियों को प्राप्त कर उन्होंने वहां इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। मक्का वासियों ने विवश होकर पैगंबर मोहम्मद के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते ने पैगंबर मोहम्मद व कुरैशों के मध्य शत्रुता को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त कुरैश कबीले के प्रभावशाली लोगों द्वारा इस्लाम को स्वीकार कर लिया गया। मक्का की जीत से पैगंबर मोहम्मद और राजनीतिक नेता के रूप में मोहम्मद साहब की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। इस महत्वपूर्ण सफलता के उपरांत पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को ही एकमात्र साधन माना। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर विभिन्न कबीलों जिनमें अधिकांश बद्दू थे, इन्होंने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया। इसके परिणाम स्वरूप पैगंबर मोहम्मद द्वारा निर्मित गठजोड़ का विस्तार समस्त अरब देश में हो गया। मदीना उभरते हुए इस्लामिक साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी बना और मक्का इस्लाम का प्रमुख केंद्र बन गया। काबा से बुतों को हटा दिया गया। मुस्लिमों के लिए उस स्थल की ओर मुंह करके इबादत करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार अल्प समय में ही पैगंबर मोहम्मद अरब प्रदेश के एक पर्याप्त विस्तृत भाग को एक नए धर्म समुदाय और राष्ट्र के अंतर्गत लाने में सफल हुए। पैगंबर मोहम्मद ने 632 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ मक्का की तीर्थ यात्रा की। यह उनके जीवन काल की अंतिम यात्रा सिद्ध हुई। मक्का में पैगंबर मोहम्मद अचानक बीमार हो गए और उनका देहांत हो गया। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं, इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत। पैगंबर मोहम्मद की क्या शिक्षाएं थी, इस्लाम के कौन कौन से उनके सिद्धांत थे, इस बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं, इस्लाम के धर्म ग्रंथ।
कुरान से प्राप्त होती हैं। कुरान में इन संदेशों का संकलन है जो अल्लाह द्वारा पैगंबर मोहम्मद के दिए गए इस्लाम धर्म के अनुयायी कुरान के साथ साथ हदीस, इसमें पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों का संकलन है और सुन्नत है। इसमें पैगंबर मोहम्मद की जीवन चर्चा का वर्णन है। नामक धार्मिक ग्रंथों से भी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। पैगंबर मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं अथवा इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत पैगंबर मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं अथवा इस्लाम के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है, इस्लाम के अनुसार अल्लाह एक है, वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी है। वह बुत परस्ती की धारणा में विश्वास करके अनेक देवी देवताओं की उपासना मत करो, केवल अल्लाह में ही अपना विश्वास व्यक्त करो, वह ही सर्वशक्तिमान है। दूसरा, अल्लाह ने समय समय पर पैगंबरों के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यक्त किया है। इनमें अंतिम और सर्वश्रेष्ठ पैगंबर मोहम्मद हैं। कुरान में भी कहा गया है कि अल्लाह के सिवा कोई और परमात्मा नहीं है, हजरत मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। तीसरा है, पैगंबर मोहम्मद के अनुसार आत्मा अमर है, बुरे कर्म वालों को दोजख नरक में जाना पड़ता है, अच्छे कर्म करने वाले पर अल्लाह की अनुकंपा रहती है, इस कारण उन्हें जनता जन्नत स्वर्ग नसीब होती है। इंसान की मृत्यु के 3 दिन बाद कयामत का दिन उसके कर्मों का लेखा जोखा अल्लाह द्वारा लिया जाता है और उसी दिन उसे जन्नत अथवा दोजख में भेजने का निर्णय लिया जाता है। चौथा है, इस्लाम नैतिक जीवन यापन में विश्वास रखता है। इस्लाम के अनुसार सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, छल कपट से दूर रहना चाहिए, शराब पीना और जुआ खेलना इस्लाम में निंदनीय है बताया गया है। पांचवा है, पैगंबर मोहम्मद के अनुसार व्यक्ति को अपने व्यवहारिक जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, दुख दर्द में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मनुष्य जाति की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। छठवां है, पैगंबर मोहम्मद के अनुसार सभी मुसलमानों को यह मानना चाहिए कि संसार में जो भी कुछ हुआ है या होगा वह सब कुछ अल्लाह की मर्जी से और वही सबका कर्ता धर्ता है। सातवां है, कुरान इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ है, इस पर सभी को यकीन करना चाहिए। तो आपको इस्लाम का उदय और विस्तार, अरब में इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में आपको पढ़ाया
समझाया। पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपको बताया। इस्लाम के जो प्रचारक हैं, इस्लाम के जो प्रवर्तक हैं, पैगंबर मोहम्मद, उनके बारे में मैंने आपको बताया। इस्लाम के जो नैतिक और राजनीतिक और व्यवहारिक है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको हल करिए। और कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं।